वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरी जनी 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन जनों आज का जो वचन हमें प्रभु ने दिया है, प्रभु चाहता है कि हम पाप के भयानक रूप को समझें, उसे जानें। पाप के भयानक रूप को हम समझें और जानें। बाइबल कहती है कि पाप का जो रूप है वो बहुत ज्यादा भयानक है। पाप का जो रूप है वो बहुत ज्यादा भयानक है और ये ना केवल मनुष्य के शरीर का बल्कि ये मनुष्य की आत्माओं का विनाश करता है। पाप इतना भयानक है कि ये मनुष्य की आत्माओं का क्या करता है, विनाश करता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, लेकिन परमेश्वर के शब्द ने तुम्हें क्या किया, चंगा किया और तुम्हें आशीर्वाद दिया। उसने तुम्हें जीवित रखा और उसकी महिमा को उसने प्रकट किया। ये पाप क्या है? बहुत से सवाल आपके और मेरे मन में आ सकते हैं जिसके विषय में बाइबल भी हमें बताती है। और कुछ एक सवाल जो इस प्रकार के हैं कि क्या एक मसीही व्यक्ति नशा कर सकता है, क्या एक मसीही व्यक्ति गुटखा खा सकता है, क्या एक मसीही व्यक्ति नशीले पदार्थों को सेवन कर सकता है, क्या एक मसीही व्यक्ति अन्य जो बुराइयां हैं उन्हें अख्तियार कर सकता है, क्या उसकी जिंदगी में ऐसा होना अच्छा है या बुरा है। इंसान ईश्वर से दूर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वह ईश्वर की आज्ञा मानना नहीं चाहता है। बच्चे जब माता पिता की आज्ञा का नहीं मानते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनसे दूर चले जाते हैं, तो बच्चों को दुख सहना पड़ता है, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उनके जीवन में घर कर जाती हैं और वे निराश होने लगते हैं। और जिस पाप के विषय में मैं आज आपसे बातें करने जा रहा हूं यीशु के नाम पर, आखिर ये है क्या, पाप है क्या, कहां से आया है, कहां से उत्पन्न हुआ है, पाप के परिणाम क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये एक विश्वासी को जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु के मार्ग पर या ईश्वर के साथ रहकर जो जीवन बिताना चाहता है उसे ये जानना अनिवार्य है कि ये पाप है क्या, पाप कहां से आया, कहां से उत्पन्न हुआ और पाप के परिणाम क्या है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बाइबल हमें बताती है कि जो पाप करता है वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। अगर आप नए व्यवस्थान में योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4 पढ़ेंगे तो वहां पर समझाया गया है, संत पौलुस लिखता है कि पाप क्या है, पाप की परिभाषा क्या है। और बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी, मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने का, आज्ञा का पालन करने का सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। आमीन, आमीन। तो पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। अब आप पूछेंगे कौन सी आज्ञा, आप पूछेंगे कौन सी आज्ञा। बाइबल इसके विषय में लिखती है कि
कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को पुरानी व्यवस्था में मूसा के द्वारा 10 हुक्म दिए और उनसे ये कहा कि देखो तुम एक ईश्वर की आराधना करो, उसको छोड़कर दूसरे की आराधना मत करो। उन्होंने कहा कि ईश्वर का दिन पवित्र रखो। उनको आदेश दिया कि वे अपने माता पिता का आदर करें। उन्हें आदेश दिया कि वे चोरी ना करें। उन्हें आदेश दिया वह झूठ ना बोलें। उन्हें आदेश दिया कि वह पराये धन का लालच ना करें, व्यभिचार ना करें, हत्या ना करें, पराई स्त्री की कामना ना करें। ये आदेश थे, ये आज्ञाएं हैं। और इंसान यदि इन आज्ञाओं के खिलाफ यदि जाता और उनका उल्लंघन करता है तो प्रियजनों वो ईश्वर के विरुद्ध क्या करता है? पाप करता है। वो ईश्वर के विरुद्ध पाप करता है और ये पाप उसके जीवन को और उसकी आत्मा को क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इस बुराई से, इस पाप से और इस अधर्म से बचने का पूरा पूरा प्रयास करना, पूरा पूरा प्रयास करना, क्योंकि ये हमारे अंतःकरण को, हमारी आत्मा को, हमारे जमीर को नष्ट कर देता है और हम ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो कोई पाप करता ही नहीं हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो वैसा नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहता अध्याय 3:23 में, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। जब तक हम इस मिट्टी रूपी शरीर में रहते हैं और शरीर की वासनाओं से जब तक हम संचालित रहते हैं, हम रोज पाप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम शरीर की वासनाओं के तहत उसके अधीन होकर जीवन बिताते हैं तो वो हमसे क्या करता है? पाप कराता है। हम शरीर की वासनाओं की तृप्ति के लिए जब भी कोई काम करते हैं तो प्रियजनों वो आत्मा के विरुद्ध होता है। हमारी आत्मा इस शरीर में जो मिट्टी के बर्तन के जैसा है डाली गई है, हमारी आत्मा इस शरीर में जो मिट्टी के बर्तन के जैसा है उसमें डाली गई है। और बाइबल हमें बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? यदि जो इसे नष्ट करेगा तो पवित्र बाइबल कहती है, प्रभु ये कहता, मैं भी उसे नष्ट कर दूंगा। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है? एक विश्वासी को यह मालूम होना चाहिए कि उसका हृदय ईश्वर का मंदिर है। कई बार मैं मजाकिया तौर पर लोगों को समझाने का प्रयास किया और कहा कि जो धूम्रपान करता है, यदि विश्वासी धूम्रपान करता है और धुआं अपने अंदर लेकर जाता है, और यदि हम ये कहते हैं कि यीशु हमारे हृदय में बैठा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में बैठी हुई है, तो जो व्यक्ति धूम्रपान करता है क्या उस धुएं से यीशु का दम नहीं घुटेगा? क्या क्या वो अंदर बैठेगा? ओ तो बाहर आएगा, धीरे से जल्दी से बाहर आएगा, जैसे ही धुआं अंदर जाएगा और यीशु कूद के बाहर आएगा। हाँ, यीशु कूद के बाहर आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में जो हम अपने शरीर की तृप्ति के लिए या शरीर की वासनाओं की तृप्ति के लिए करते हैं वो पाप की श्रेणी में आ जाती हैं। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यीशु के नाम पर, प्यारे भाइयों और बहनों, कि पाप क्या है और कहां से आया है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं तो निष्पाप हूं तो वह अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। योहन का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 8 पद संख्या 8 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अगर हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, धोखा देते हैं, और हम में, और हम में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम तो निष्पाप हैं, हम तो बहुत बड़े धर्मी हैं, हमने कभी पाप किया ही नहीं,
हमने कभी गलती की ही नहीं। तो बाइबल कहती है, वचन ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में लिखा हुआ है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करे, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो गलती ना करे, पाप ना करे, बुराई में ना गिर जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो हमारे पूर्वज आदम और हेवा जो ईश्वर के प्रतिरूप थे, उन्होंने क्या किया? आज्ञा भंग किया और उन्होंने पाप कर डाला, ईश्वर का प्रतिरूप खो दिया। इसलिए जब एक विश्वासी जिसे परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, अनॉइंटिंग दिया है, मसा किया है, अभिषेक दिया है, विश्वास का वरदान दिया है, अच्छाई का वरदान दिया है, धार्मिक होने का वरदान दिया है, सेवा करने का वरदान दिया, यदि वो विश्वासी पाप में गिर जाए, आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे और ईश्वर का दिन पवित्र ना रखे, तो वह पाप की श्रेणी में चला जाता है और ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाता है। तो इसके विषय में रोमियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है अध्याय 5 पद संख्या 12 में, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप संसार में प्रवेश हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस लिखता है, संत पौलुस लिखता है रोमियों का पत्र, रोमियों का पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 पद संख्या 12 पद संख्या 12, एक ही मनुष्य के द्वारा, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, पाप संसार में आया और पाप के द्वारा, पाप के द्वारा मृत्यु का, मृत्यु का इस प्रकार, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, इस प्रकार, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मृत्यु कैसे फैली? क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और उसके द्वारा मृत्यु हो गई। और आपको पता है पाप का वेतन मृत्यु है, बाइबल हमें समझाती है। तो ये पाप की शुरुआत कहां से हुई? जब पहली दफा ईश्वर के उस दूत ने, जिसका नाम लूसीफर था, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसका विरोध किया और वो ईश्वर से ईर्ष्या करने लगा, उसने अपने प्यादों से और अपने दूसरे दूतों से कहा, आज के बाद तुम ईश्वर की नहीं मेरी आराधना करना। उसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया। हालांकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने उसे भोर का तारा कहकर उसे संज्ञा दी थी और वह स्वर्ग की सारी शान शौकत को इंजॉय किया करता था। उसने ईश्वर के विरुद्ध क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। अब परमेश्वर ने उनको बख्शा नहीं, परंतु उसके साथ एक तिहाई स्वर्ग दूतों को उसने स्वर्ग से धरती के ऊपर पटक दिया और बाइबल कहती है कि ईश्वर ने उन्हें न्याय के दिन के लिए अंधेरे गर्त में क्या करके बांध के डाल दिया, बेड़ियों से उन्हें जकड़ दिया, ताकि जो कोई व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध इस तरीके का विरोध करे तो उनका न्याय किया जाएगा अंत के दिनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पाप, मैंने कहा क्या है? पाप ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। जो व्यक्ति आज्ञाओं का उल्लंघन करता है वो पाप करता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 से सुंदर वचन है और वहाँ पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति इस संहिता के वचनों का आदर नहीं करता वो क्या है? श्रापित है। वो क्या है? श्रापित है। सुंदर वचन है, बाइबल हमें बताती है अध्याय 27 विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27
पद संख्या 26 और उससे आगे, जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करेगा वो क्या है? वो श्रापित है, वो श्रापित है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 26 और उससे आगे, जो इस बाइबल में इस संहिता में लिखे गए वचनों का आदर नहीं करता लिखा है वो व्यक्ति श्रापित, वो व्यक्ति श्रापित है। इसलिए पवित्र वचन को हमें सुनना, समझना और धारण करना अनिवार्य है। तो मैंने कहा कि पाप आज्ञा का उल्लंघन है और यदि कोई व्यक्ति आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वो पाप करता है। अब ये पाप कहां से आया इसके विषय में बाइबल कहती है शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया। शैतान की ईर्ष्या के कारण पाप इस दुनिया में आया और सर्वत्र मनुष्यों में फैल गया। ये उत्पन्न कहां से होता है, पाप उत्पन्न कहां से होता है? यदि आप याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 15 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है। शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है और पाप का वेतन मृत्यु है। नई व्यवस्थान में याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे हर एक बुराई से, मुझे हर एक बुराई से, पाप और प्रलोभन से, पाप और प्रलोभन से बचा के रखने की, बचा के रखने की कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए प्रिय भाइयों, आप लोग गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहां से उतरते हैं जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार है। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया है जिससे कि हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने, उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने, उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। आगे बाइबल हमें बताती है याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13 में लिखा है। कई बार लोग ये कहते हैं कि ईश्वर हमें प्रलोभन देता है और पाप में गिर जाते हैं, लेकिन याकूब लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 13, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना के द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना के द्वारा खींचा और बहकाया जाता है और इस प्रकार हम ईश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं जब हम पाप करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को हर एक बुराई से, हर एक बुराई से, अहंकार से, अहंकार से, ईर्ष्या और द्वेष से, ईर्ष्या और द्वेष, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखने की कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपसे कह रहा था कि ईश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने ईश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, जिन्होंने उनकी निंदा की,
उनको परमेश्वर ने न्याय के दिन के लिए अंधकार में क्या कर रखा है, बांध के रखा है। अगर आप पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 पढ़ेंगे तो वहां इस वचन को आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पेत्रुस का दूसरा पत्र, पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा है। तो यदि उसने स्वर्गदूतों के साथ ऐसा किया, फरिश्तों के साथ यदि उसने ऐसा किया है जिन्होंने विद्रोह किया, तो मैं और आप तो इंसान हैं, तो वो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करेगा? वो अवश्य न्याय करेगा। हमारी हर दिन हर बात के द्वारा हमारे जीवन में वो रोज न्याय करता है, और प्यारे भाइयों और बहनों हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करता है। बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने पाप किया, और उनमें सबसे एक व्यक्ति फेमस है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, और वो है दाऊद। दाऊद का पाप क्या था? क्या पाप था दाऊद का? उसका पाप था व्यभिचार। व्यभिचार के साथ साथ उसका पाप था धोखा। धोखे के साथ साथ उसका पाप था हत्या करना, क्योंकि उसने अपने सेनापति ऊरिया की हत्या करवाई। उसने उसे धोखा दिया। धोखे के साथ उसने युद्ध की सीमा में फ्रंट लाइन पे जहां पर खतरा ज्यादा था वहां पर खड़ा करवा दिया, और वह युद्ध में मारा गया। उसने उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, और उसके जब गर्भ में बच्चा पैदा होने वाला था तो उसने क्या कर दिया, वो मर गया, वो मार डाला गया। दाऊद का पाप ना केवल व्यभिचार, बल्कि उसका पाप धोखा, हत्या और व्यभिचार था। साउल, जिसके विषय में मैं और आप पढ़ते हैं, साउल का पाप क्या था? साउल लोगों पर अत्याचार करता था, मसीहों को सताया करता था, ईश्वर के लोगों पर अभियोग लगाया करता था, इसी के साथ वो हत्या करता था, उनको मार डालता था। पेत्रुस, उसका पाप क्या था जिसके विषय में मैं और आप पढ़ते हैं? पेत्रुस ने अपने गुरु को 3 बार अस्वीकार कर दिया, और जब उससे कहा गया कि क्या तुम भी उसके साथ नहीं थे, तो उसने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं, तुम क्या कह रही हो। एक नौकरानी उससे जब कहती है वहां पर फाटक के सामने कि क्या तुम भी उसके साथ नहीं थे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो था ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं उसको, यीशु कौन है। क्यों? क्योंकि डर के मारे, क्योंकि उसको भी मार ना दिया जाए, इसलिए वो डर गया और उसने इनकार कर दिया, और उसने पाप कर डाला, उसने यीशु को इनकार कर दिया। उड़ाऊ पुत्र, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया। क्या उसका पिता दयालु नहीं था? क्या उसके पिता के पास धन नहीं था? क्या उसके पिता के पास अन्य नौकर चाकर नहीं थे? संपत्ति नहीं, सब कुछ था। और उसको ये भी मालूम था कि मेरा पिता धर्मी है, उसको ये भी मालूम था कि मेरा पिता दयालु है, उसको ये भी मालूम था कि मेरा पिता क्या करता, दया करता है, लोगों पर दया दिखाता है। लेकिन इसके बावजूद उड़ाऊ पुत्र घर छोड़कर चला गया, अपने अहंकार में, अपनी शान और शौकत में। क्यों? क्योंकि प्रलोभन उसके ऊपर आन पड़ा था, शैतान की चालों को वो समझ नहीं पाया, इसलिए अपनी पोटली में वो धन लेकर, संपत्ति का अपना भाग लेकर, वो अपने लोगों के साथ, मित्रों के साथ चला गया, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा, खाने पीने लगा। और थोड़े दिन के बाद जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, तो प्रियजनों वहां पर अकाल पड़ा, और अब उसके पास एक एक रोटी खाने का टुकड़ा भी नहीं था खाने के लिए, वो रोटी के लिए मोहताज हो गया। वहां पर उसे किसी ने काम नहीं दिया, एक ऐसी गंदी जगह में उसे काम मिला
जहां पर जानवरों को चराने का उसे काम सौंपा गया, गंदे जानवरों को, और वहीं पर जो फलियां जानवर खाते थे, बाइबल कहती है उन्हीं को खाकर वो अपना पेट भरता था। इंसान की गति भी ऐसी ही हो जाती है जब वो प्रलोभन में पड़ता है, नशीले पदार्थों में पड़ जाता है, ड्रग्स या अन्य ऐसी बुराइयों में पड़ जाता है, जब उसका सब कुछ नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, और वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाता, काम ढूंढता लेकिन मिलता नहीं है। कभी कभी इंसान ऐसी बुराइयों में, पाप में पड़ जाता है और फंस जाता है। तो बाइबल कहती है जो पाप करता है वो ईश्वर की नहीं शैतान की संतान है। जो पाप करता है वो ईश्वर की नहीं शैतान की संतान है। अगर आप वचन पढ़ेंगे, खोलिए बाइबल जिनके पास है, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10। नए व्यवस्थान में योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 से 10। आप लोग ध्यान से सुनिए कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। क्यों हमारे जीवन में आशीषें ठहरती नहीं, क्यों हमारे जीवन में सफलता नहीं आती, क्यों हमारे जीवन में हमारे काम नहीं बनते, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी में हैं हमें ईश्वर की महिमा से वंचित रखती हैं। पद संख्या 5 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए, उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता है। बच्चों कोई तुम्हें बहकाए नहीं, जो धर्माचरण करता है वह उन्हीं की तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। पद संख्या 9, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता है क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्माचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14, जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जान लीजिए कि अगर कोई अपने भाई से बैर करता तो मृत्यु में निवास करता, उसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। जो भाइयों में झगड़ा लगाता है, प्रभु को उस व्यक्ति से अत्यंत घृणा है। बाइबल कहती है प्रभु को भाइयों का एक साथ रहना पसंद है, इसलिए घर में कोई भी व्यक्ति, चाहे उनकी पत्नियां हो, चाहे उनकी माताएं हो, या चाहे उनके पड़ोसी हो, भाइयों में यदि झगड़ा लगाते हैं और उनको लड़ाते हैं, उन्हें दूर करते हैं, तो वो किसी हत्यारे से कम नहीं, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए सावधान, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार में शांति नहीं ठहरती, आपके परिवार में आशीष नहीं ठहरती, आपके परिवार में आशीर्वाद नहीं ठहरता। क्योंकि बाइबल कहती है ईश्वर को भाइयों का एक साथ रहना, उनका सामंजस्य उन्हें पसंद है। और
इसलिए वह उन्हें आशीर्वाद देता जब वो एक साथ रहते ईश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम लोग सावधान रहो, जिस तरह शेर शिकार की घात में बैठा रहता है उसी तरह से पाप अन्याय करने वाले की घात में बैठा रहता है। जिनके पास बाइबल है खोले प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराख, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 11 और उससे आगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 11 और उससे आगे, बुक ऑफ सिराख बेनजीरा, बुक ऑफ सिराख चैप्टर 27 वर्ड्स 11 ऑनवर्ड्स। सिंह हमेशा शिकार की घात में बैठता है, इसी तरह पाप अन्याय करने वालों की घात में बैठा रहता है। भक्त सदा ज्ञान की बातों की चर्चा करता है, जबकि मूर्ख की बातचीत चंद्रमा की तरह बदलती रहती है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? चंद्रमा की तरह बदलता रहता है, लुक्कन छुपाई खेलता रहता है, बादलों के बीच में कभी छुप जाता कभी बाहर आता, अटखेलियां करता बादल के साथ। उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति भी है बाइबल कहती है, क्योंकि उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम मूर्खों के साथ कम समय बिताओ किंतु समझदार लोगों के साथ देर तक बैठा करो। मूर्खों की बातचीत घिनौनी है और उनकी हंसी पाप में लंपटता है। बारंबार शपथ खाने वाले की बातचीत सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके लड़ाई झगड़े सुनकर लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। घमंडियों के झगड़े रक्तपात को बुलावा देते और उनकी फटकारें कर्ण कटु होती हैं। कर्ण कटु का मतलब कानों को चुभने वाली। उनकी जो लड़ाई झगड़े और गालियां जो होती हैं बाइबल कहती है ऐसे व्यक्तियों की बातें और जो उनकी गालियां वो कर्ण कटु। इसलिए तुम लोग सावधान रहो और उनसे बचे रहो। एक सुंदर वचन है कि पाप हमारे जीवन को नाश करता, इसलिए सुक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन जिसे हम कहते हैं, नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है और इसलिए परमेश्वर ये कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25, तुम्हारे पापों के कारण वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों के कारण वर्षा नहीं होती। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 पद संख्या 19 में लिखता है तुम्हारी दुष्टता तुम्हें दंड देती है, तुम्हारी दुष्टता तुम्हें दंड देती है, इसलिए तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलते, क्योंकि तुम पश्चाताप करके ईश्वर के पास नहीं लौटते जिससे कि वह तुम पर दया करे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस पाप ने इंसान को इतना ज्यादा झुका दिया है, उसे इतना ज्यादा परेशान किया है कि इंसान अब उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसमें फंसा रहता है। वो अपनी वासनाओं से संचालित रहता है, शरीर की तृप्ति के लिए काम करता है लेकिन वो चाहता है कि उसे मोक्ष मिल जाए, वो चाहता है कि उसे मुक्ति मिल जाए। मुक्ति किसे मिलना है? मुक्ति चाहिए हमारी आत्मा को, मोक्ष चाहिए हमारी आत्मा को। लेकिन आत्मा को खुश करने वाले काम तो हम लोग बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। शरीर को खुश करने वाले हम सब काम करते हैं, खाना पीना शान और शौकत घूमना, मन को तसल्ली देने के लिए, शरीर को तसल्ली देने के लिए हर प्रकार के रंग रोगन वस्त्र कपड़ा लोभ लालच पेटूपन हर प्रकार की चीजें हम शरीर को देते हैं। लेकिन आत्मा को क्या देते हैं? जिसे इस शरीर से मोक्ष चाहिए, जितना ज्यादा शरीर आनंद में रहता है उतनी ज्यादा आत्मा हमारी दुखी रहती है, कमजोर रहती है। लेकिन जितना ज्यादा शरीर तपता है, तपस्या करता है,
क्यों हमारे ऋषि मुनि आचार्य और स्वयं प्रभु यीशु घंटों प्रार्थना में तल्लीन रहा करते थे या फिर ऊंचे स्थानों में जाकर पर्वतों पर जाकर वहां पर सालों साल तपस्या किया करते थे, शरीर को मॉडिफाई किया करते थे, शरीर को तप किया करते थे, तपाते थे जिससे कि उनकी आत्मा को बल मिले, आत्मा जो है वो दृढ़ हो जाए और इन सारे पाप में जीवन से वो आजाद हो जाए और इस पाप रूपी शरीर से जो वासनाओं से संचालित रहता उससे आजादी प्राप्त करे। तो बाइबल में बताती है कि सारी सृष्टि मानो ऐसे है जैसे वो रोती रहती है। क्यों रोती है? क्योंकि पाप की अवस्था में। बाइबल में लिखा हुआ संत पौलुस लिखता अध्याय 8 पद संख्या 22 में, समस्त सृष्टि मानो प्रसव पीड़ा में करा रही है। सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते रहते हैं। हमारे जीवन में शांति नहीं है, हम बेचैन रहते हैं, क्रोध से ईर्ष्या से हम भरे रहते हैं, मनमुटाव से लड़ाई झगड़ों से बुराई से हम अछूते नहीं हैं। मानो एक प्रकार का द्वंद हमारे अंदर चलता रहता है, एक प्रकार की लड़ाई हमारे अंदर चलती रहती है। किस चीज के लिए? कि हम अपने आप को तृप्त करें। परंतु वास्तविकता यह है कि इंसान गलती करता है, अच्छे काम भी करता है, वो धर्म के काम भी करता है, अधर्म के काम भी करता है। सत्य के मार्ग पर चलता है तो झूठ भी बोलता है, वो धर्म के मार्ग पर चलता है, अधर्म के मार्ग पर भी चलता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जिंदगी में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये करता है, कल वो करता है, आज झूठ बोल दिया, कल सच बोल दिया, आज सच बोल दिया, कल को झूठ बोल दिया, रात को किसी घर में चोरी कर दिया, सुबह आके आप दुआ प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार के कामों में इंसान व्यस्त रहता, निंदा करने में, तो आशीष कहाँ से आएगी? आएगी भी तो ठहरेगी नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन प्रभु से दूर है, हमारा जीवन प्रभु से दूर है। इसलिए ध्यान रखें कि पाप का रूप जो है वो बहुत भयानक है। हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, आज गलती कर ली कल जाके माफ़ी मांग लेंगे, मंदिर में खड़े होकर घुटना टेकेंगे, एक दिन उपवास करेंगे, नोवेना कर लेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर देगा। वो तो क्षमा करता ही है, लेकिन बाइबल ये कहती है एक बार ये जानने के बावजूद कि तुम्हें क्या करना चाहिए, यदि फिर से तुम उसी काम को बार बार करते हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पश्चाताप का कोई बलिदान नहीं रह जाता। जानने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति उस गलती को पाप को बार बार दोहराता है तो उसके लिए प्रायश्चित का कोई बलिदान नहीं रह जाता, बाइबल कहती। जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, यदि वो नहीं करता तो बाइबल कहती उसे पाप लगता है। और मैंने कहा पाप का रूप भयानक है, ये पीछा करता है। और अगर हम पाप में जीवन जीते हैं तो हम में प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है, ईश्वर का तत्व हम में मौजूद नहीं है। आप नहीं जानते कि अन्याय करने वाले, मैंने कहा, ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए निंदा से बचिए, ईर्ष्या से बचिए, अहंकार से बचिए, पेटूपन से बचिए, व्यभिचार से बचिए, झूठ से बचिए, पराए धन से बचिए, पराए धन की लालच से बचिए, पराई स्त्री की कामना से बचिए। ईश्वर का दिन पवित्र रखिए, ईसा मसीह का मनोभाव धारण कीजिए और नित्य प्रतिदिन ईमानदारी वफादारी और सत्य का पट्टा पहनकर अपने गले में लटका कर घूमिए और ईश्वर के साथ रहने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए, जिससे कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे और आपको अपनी महिमा दिखाए और आपके परिवार को भी भरे। क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप करते हैं उन्हें सबों के सामने चेतावनी दो, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पाप करने में डर लगे। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 5, अध्याय 5 पद संख्या 20, पद संख्या 20। जो पाप करते हैं, जो पाप करते हैं उन्हें सबके सामने, उन्हें सबके सामने चेतावनी दो, चेतावनी दो, जिससे दूसरे लोगों को भी, जिससे दूसरे लोगों को पाप करने में डर लगे, पाप करने में
डर लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। संत याकूब का पत्र, संत याकूब का पत्र अध्याय पांच अध्याय पद संख्या 20 पद संख्या 20। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तो यह समझें, तो ये समझें कि जो किसी पापी को, जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है, मृत्यु से बचाता है, और बहुत से पाप, और बहुत से पाप ढक देता है, ढक देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि उसे क्या करना चाहिए, यदि फिर भी उसे नहीं करता है तो उसे पाप लगता। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस इस वचन को स्पष्ट करता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 और उससे आगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के प्रायश्चित के लिए कोई भी बलिदान नहीं रह जाता। सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद यदि हम पाप करते हैं तो प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 10 वर्स 26। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26। क्यों मैंने कहा कि पाप का रूप बड़ा भयानक है? पाप का रूप इसलिए भयानक है, इस तरह से भयानक है, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22 में लिखा हुआ है कि अगर आप पाप की अवस्था में हैं तो खुश नहीं रह सकते। पहली बात, अगर इंसान की जिंदगी में बुराई है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़ा है, घृणा है, निंदा है, ड्रग्स है, चोरी है, लंपटता है और ऐसी अश्लील बातें हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरी बात, पाप इंसान को झुका देता है, पाप इंसान को झुका देता है। कैसे? उसके अंदर हीन भावना और अपराध बोध पैदा कर देता है। वो किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने आंखें उठाकर नहीं रहता। मान लीजिए कि कोई पाप करता है, व्यभिचार में पकड़ा गया है, या फिर ऐसे गलत काम करता है, बुराई में रहता है, तो क्या वो दूसरों के सामने वो आंखें उठाने लायक रहेगा? एक उदाहरण है बाइबल में, जकेउस लोगों से डरता था, नाटा था, कद का नाटा था। वो भीड़ में क्या कर दिया, यीशु को देखना चाहता था, लेकिन ना केवल नाटे होने के कारण वो पेड़ पे जाके चढ़ गया, लेकिन लोग उसे क्या करते थे, ठग्गू भाई बोलते थे, शायद खड़ूस बोलते थे, शायद ठगने वाला आ गया, भैया इससे बच के रहना, ये खतरनाक इंसान है, लूट ना ले तुमको, ये 2 के 4 बनाता है, 4 के 8 बनाता है, ये तुमसे ब्याज वसूलेगा। इस तरीके की शायद बातें करते तो उसे बेइज्जती महसूस होती होगी, आत्मग्लानी होती होगी, शायद इसीलिए वो जाकर पेड़ पे अपने आप को उसने छिपा लिया। और बाइबल में जिस पेड़ के विषय में चर्चा की गई, जिसके ऊपर वो जाके चढ़ा, उसे इंग्लिश में सिकामोर ट्री कहते हैं, और अगर आप उसको गूगल सर्च में जाके सिकामोर पेड़ की जो विशेषता है उसको यदि आप देखेंगे तो ये इसके पत्ते बड़े घने होते हैं, वे चारों ओर से बिल्कुल ढका हुआ, कौन उसके अंदर बैठा छिपके आप पता नहीं लगा सकते हैं, आप पता नहीं लगा सकते हैं उसमें, लेकिन वो पत्तों के अंदर जाकर बैठा हुआ था। ठीक ऐसा ही वाक्य कुछ आदम और हेवा के साथ में भी हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा ने भी अपने आप को पत्तों के पीछे छिपाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपराध बोध आ गया था, उन्होंने पाप कर डाला, अब ईश्वर से आंखें मिलाने के लायक नहीं रहे, ईश्वर की आवाज सुनकर वो डरने लगे, उसके पास वो नहीं जा रहे थे और कहने लगे कि तेरी आवाज सुनकर हमें डर गया, इसलिए मैंने अपने आप को पत्तों के पीछे झाड़ियों में छिपा लिया। और ठीक वैसे ही जकेउस ने भी किया, ठीक वैसे ही जकेउस ने भी किया, लेकिन यीशु ने जकेउस को उन घने पत्तों के बीच में भी देखा और उससे कहा, भाई तू जल्दी आ नीचे आ, आज मुझे तेरे घर में आना है, मुझे तुझे आशीष देनी है, मुझे तुझे इस पाप से निकालना है, मुझे तुझे इस गंदगी से निकालना है। प्यारे भाइयों और बहनों, पाप झुका देता है, पाप इंसान को झुका देता है, गलत काम इंसान को झुका देते हैं,
उसे सीधा खड़े रहने लायक नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा पाप का रूप भयानक है। तीसरी बात, पाप इंसान के मन की शांति छीन लेता है। मान लीजिए आप किसी का कत्ल कर दें या आपसे कोई ऐसा काम हो जाए कि आपने किसी को मार दिया, शोषण कर दिया, और उसके बाद आपको लगे कि नहीं आपने गलत किया है, तो आप बेचैन रहते हैं, मन की शांति चली जाती, अशांति से भर जाते हैं। चौथा, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। पाप की अवस्था में इंसान ईश्वर से दूर हो जाता, प्रार्थना करने में असमर्थ रहता है। पांचवा, ईश्वर से आप दूर चले जाते हैं। छठवा, ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। सातवां, आत्मा की प्रेरणा का आप दमन करने लगते हैं। आठवां, आपके जिंदगी से पवित्रता और अभिषेक दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं। नौवां, अपना ही अपराध बोध इंसान को नष्ट करने लगता है और खाने लगता है। ईश्वर के अनुग्रह से इंसान वंचित रहता है, उसका अभिषेक चला जाता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो चल नहीं पाता है, वो चल नहीं, इतना भयानक रूप है पाप। इसलिए एक विश्वासी को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो शैतान की इन सारी युक्तियों से वो दूर रहे, शैतान की इन सारी चालों से अपने आप को बचाता रहे, जिससे कि वह ईश्वर के अनुग्रह में बढ़े और परमेश्वर उसे ब्लेस करे और आपको भी ब्लेस करे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ वचन हम दोहराएंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा आज आपने हमसे बातें की हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे हर पाप से, हर बुराई से, हर प्रलोभन से बचाएंगे। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पाप से किस तरह से बचना है, तो बाइबल कहती है, संत पौलुस लिखता फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के अनुसार बना लें। पहला वचन, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। याद करेंगे पहला वचन, हाथ 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 ऊंचा करिए, अंगीकार करिए, फिलिपियों का पत्र, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2, अध्याय 2 पद संख्या 5, पद संख्या 5, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के, ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार, मनोभावों के अनुसार बना लें, बना लें। आमीन, आमीन। तो पहला काम जो एक विश्वासी को करना है और वो ये है, अपने मनोभावों को, अपनी सोच विचार को ईसा की सोच विचार और मनोभावों के जैसा बनाना। दूसरा काम जो आपने करना है, अपने आप को याद दिलाना कि आप कौन है, फिर आप पाप नहीं करेंगे, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके लिए मूल्य अदा किया गया है, आपके लिए कीमत चुकाई गई है। इसलिए बाइबल कहती है कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20 में, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट कीजिए। कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 20। दूसरा वचन है कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 23, लिखा है आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए अब मनुष्यों के दास ना बने, अब मनुष्यों के दास ना बने। दोनों वचन दोहराएंगे, तो हमें जानना है कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या कीमत अदा की गई है। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें, ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, अब मनुष्यों के दास ना बने, अब मनुष्य के दास ना बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है प्रभु के वचन के प्रति प्यार बढ़ाना और इसे पढ़ना। जब हम इस वचन को सुनते या पढ़ते हैं तो
तो ये हमारा मार्गदर्शन करता है। चौथा उपाय कि इस शैतान की युक्तियों को समझना, शैतान की चालों को समझना, आत्माओं की परख करना सीखना कि आपके साथ जो मिल रहा है वास्तव में वो व्यक्ति कौन है, ईश्वर की ओर से है शैतान की ओर से है, किसने उसे भेजा है, क्या आपसे वो चाहता है, क्या वो करना चाहता है। इसलिए लिखा है, संत पौलुस लिखता है कुरिंथियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 11, क्योंकि हम शैतान के फंदे में पड़ना नहीं चाहते, हम उसकी चालें अच्छी तरह समझते हैं। क्या आप लोग समझते हैं, क्या आप लोग समझते हैं शैतान की चाल को। मान लीजिए आज आपके घर में कुछ होने वाला है और आपको मालूम है कि आज अगर ऐसा होगा तो झगड़ा जरूर होगा। क्यों झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि झगड़ालू स्वभाव वाला व्यक्ति जो है आज आने वाला। इसलिए आप बचने का पूरा पूरा प्रयास करें, उस चीज को अवॉइड कीजिए, उस चीज को अपने घर में से अवॉइड कीजिए, उस पूरे शैतान की चाल को समझना कि आज वो आपके लिए क्या करने वाला। उस वक्त परमेश्वर को याद करना, प्रभु को अपना संरक्षण बनाना, अपने सिर से लेकर पांव तक उसके लहू से अपने आप को संरक्षित करना और प्रार्थना करना कि प्रभु हमें इस बधि से बचा, हमें इस बुराई से बचा, हमें इस झगड़े में गिरने से बचा, शैतान के फंदे से जो हमें नाश करना चाहता है उससे हमें बचा। और पांचवा काम आपको करना है, उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना के बिना आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। छठवां काम जो आपको करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। जहां आपने झूठ बोला वहां आपके जीवन में शैतान प्रवेश करेगा और उस झूठ के द्वारा वो आपको ही नष्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपको ही नष्ट करने की कोशिश करेगा। सातवां काम जो आपको करना है, अपने परिवार में और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, उसके वचन को आदर करना, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं, जो मुझे तुच्छ जानते हैं उन्हें मैं तुच्छ जानता हूं। तो एक विश्वासी होने के नाते आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के सामने आप बैठे हैं, वो आपसे बातें कर रहा है अपने दास के द्वारा, तो इन वचनों को आप अपनी जिंदगी में धारण करें विश्वास के साथ, शैतान के चालों को समझें, उसे उससे लड़ें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उतरे और आपको हर एक प्रकार की दुर्घटना से, एक्सीडेंट से और लड़ाई झगड़ों मन मुटावों से आपको बचाए। आठवीं बात जो आपको करनी है, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना है, पवित्रता का जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं।